छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के बनने के 2 वर्ष बाद कितना बदलाव हुआ है, उत्तर छत्तीसगढ़ और सरगुजा जिले में किस तरह से लिखी जा रही है विकास की नई इबारत, जिलेवासियों की क्या मांग पूरी हुई है, जिलेवासियों को क्या क्या मिली है सौगातें, आज यही सब कुछ जानेंगे हमारे इस विशेष रिपोर्ट में, सजता सवरता तरक्की करता सरगुजा में। आइए देखते हैं कैसे सरगुजा गढ़ रहा है नवा छत्तीसगढ़। मैनपाट की नैसर्गिक सुंदरता लिए ये है छत्तीसगढ़ का खूबसूरत इलाका सरगुजा। आदिवासी बाहुल्य जिले को प्रकृति ने हर रंग से नवाजा है। प्रकृति के गोद में बसे सरगुजा की पहचान आध्यात्मिक और पुरातात्विक भी है। रामगढ़ की पहाड़ी में जहां प्राचीन नाट्यशाला है तो राम वन गमन के प्रमाण भी, साथ ही मिलते हैं कालिदास के छाप। ऐसे सरगुजा को सजाने सवारने की दिशा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जिलेवासियों की हर मांग को पूरा करने मुख्यमंत्री बघेल ने 155 करोड़ के विकास कार्यों की सौगातें दी है। 4,16,76,000 रुपए की लागत से सीतापुर विकास खंड के मड़वा सराय में 20 किलोमीटर लंबी सड़क, 3,98,53,000 रुपए की लागत से शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन दूती तल का निर्माण, 1,81,69,000 रुपए की लागत से सीतापुर में 100 सीटर आईटीआई भवन, 42,84,000 रुपए की लागत से पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, 6,47,45,000 रुपए की लागत से लखनपुर विकासखंड के हंस डांड लटोरी से दर्रीपारा तक सड़क निर्माण, 5,24,48,000 रुपए की लागत से केवरा कटाईपारा से परी तक सड़क निर्माण, 4,68,28,000 रुपए की लागत से अंबिकापुर बिलासपुर रोड से गुमरा कला सड़क निर्माण शामिल है। 93,96,76,000 रुपए की लागत से विकास खंड अंबिकापुर उदयपुर लखनपुर सीतापुर एवं लुंड्रा में सड़क भवन निर्माण, 27,23,45,000 रुपए की लागत से सीतापुर लुंड्रा एवं मैनपाट में सिंचाई हेतु निर्माण कार्य शामिल है। 154 करोड़ के शिलान्यास और लोकार्पण का काम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौगात के रूप में दिया है। इससे सभी शासकीय आवास तक पहुंच मार्ग, कई भवन और कई पुल पुलिया बन करके लोगों के लिए काफ़ी सहूलियतें उपलब्ध कराएंगे, जैसे आवागमन के लोगों को सहूलियत हो सकेगा। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत अनेकों जो महत्वपूर्ण सड़क वो सब स्वीकृत हुए हैं और अभी कार्य जारी है। बीजेपी के 15 साल और कांग्रेस के 2 साल कंपेयर कीजिए तो कांग्रेस बहुत आगे है। शासन द्वारा योजनाएं जो संचालित हो रही है उनके द्वारा विकास भी हो रहा है, रोड भी बन रहे हैं, बहुत सारे भवनों का निर्माण भी हो रहा है। उम्मीद है सरगुजा में विकास की यह रफ्तार आने वाले 3 वर्षों तक इसी तरह से बनी रहेगी। सरगुजा से राम कुमार यादव के साथ वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे बेमित्रा जिले